हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिशन में। दोस्तों, विजन 2.0 की आज हम चर्चा करेंगे और विजन 2.0 दोबारा से मार्केट में रन हो रहा है, हो चुका है। कल जो पहली अपडेट आई थी, कल शाम को 7 बजे जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये प्रॉपर तौर पे डिसीजन ले लिया गया है कि कंपनी मार्केट में रन करेगी। और अभी प्रेजेंट में आज सुबह 10 बजे जो मीटिंग हुई थी, उसमें भी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। उन सभी के बारे में मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। दोस्तों, क्लियर ये है कि कंपनी में जो पुराना डाटा था वो रिकवर हो चुका है, लेकिन पुराना डाटा रिकवर हो चुका है लेकिन यहाँ पे डाटा सिर्फ वो रिकवर हुआ है कि आपकी आईडी लगी हुई है, आपने जितने से अपग्रेड किया था वो सब यहाँ पे मिल जाएगा, आपकी टीम आपको मिल जाएगी, लेकिन आपने जो कमाई की थी वो आपको नहीं मिल पा रही है। जी हाँ दोस्तों, लगभग $200 की मेरी खुद की इनकम थी, वो भी मुझे नहीं मिली है। और सब कुछ कुल मिला के ये है कि ऑटो पूल की इनकम, आपके डायरेक्ट से जो इनकम हुई थी वो इनकम, लेवल इनकम, ये सारी इनकम यहाँ पे नहीं मिलेगी, किसी बंदे को भी नहीं मिलेगी। आज से जो वर्क स्टार्ट हुआ है या आपकी टीम सहित आप काम करेंगे लेवल वाइज या डायरेक्ट पर्सन या जो भी, वो इनकम आज से यहाँ पे स्टार्ट होगी एक नए सिरे से। कहने का मतलब ये है कि कंपनी नए वर्जन में आई है, नया काम होगा आज से। बस आपकी जो टीम आपके साथ है वही आपको मिली है, और टीम सहित आप वर्क करेंगे तो आप यहां से एक नई इनकम जनरेट कर पाएंगे, ये इसका सॉल्यूशन हुआ है। अब कहना है कि आगे से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो सभी कंपनियां कहती हैं और ये भी वही कह रही है। देखते हैं दोस्तों कि अब लोग इसमें कितना वर्क कर पाते हैं, करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और मेरे अनुसार तो ये है कि लोग इसमें फिर भी वर्क करेंगे, क्योंकि ये सबसे सस्ता प्लान है और काफ़ी अट्रैक्टिव है, इनकम भी फास्ट आ रही है, तो उस अनुसार यहाँ पे लोग वर्क करेंगे क्योंकि उनकी टीमें बनी हुई हैं। मेन चीज़ डाटा होता है एक टीम, जो टीम उनकी बनी हुई है तो उसके अनुसार यहाँ पे वर्क स्टार्ट दोबारा हो सकता है, तो कंपनी रन करेगी। तो ये हमारी आज की अपडेट है दोस्तों, और इसकी कुछ झलकियाँ जो कि मैंने टेलीग्राम मीटिंग से ली हैं वो मैं आपके सामने यहाँ रखना चाहूँगा। ये देखिए कि कल हो जाएगा, क्योंकि हमें खुद नहीं पता था कि इतनी बड़ी बात हो गई है। तो अब इतनी बड़ी बात हो गई तो कोई छोटी मोटी बड़ी बात तो है ही नहीं, इतनी बड़ी बात है। आपको भी पता ही है कि कोई दुनिया से चला गया, तो अब कुछ कर नहीं सकते हम। बाकी हमारा जो विजन 2.0 है वो फाइनली लाइव हो चुका है, और आपको भी पता ही है कि हमारी जो साइट है उसमें काफी ज्यादा डाटा है, तो उस डाटा ट्रांसफर करने में ही हमारा कम से कम 5-6 दिन लग गया था, और आपको भी पता ही है, और बाकी उनका भी प्रॉब्लम चल रहे थे। तो कंपनी इसीलिए मेन रीजन पर्पस यही था कि कंपनी इसीलिए बंद थी। विजन 2.0 है बट .com पहले था, अब .live आ गया है। तो और जो इनकम था वो इनकम हट गई है, क्योंकि यहाँ पे डाटा शिफ्टिंग ही हुई पाई है, और आपको भी पता ही है और सब कुछ नहीं हो पाता। ओनली फॉर हमें डाटा बैकअप मिला था और हमने न्यू पैनल पे उसको अपग्रेडेशन करवाया था, तो अपग्रेडेशन करवाया, फिर आपको भी पता ही है फाइनली अब न्यू वेबसाइट आ गई है और काफी मेंबर की आईडी भी लॉगिन हो रही है। कुछ कुछ मेंबर्स न्यू वाले पैनल खोल रहे इसीलिए उनकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही। तो आप सभी को मैं टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार शेयर कर दूंगी, आप सब अपने टीम को अपडेट दे दीजिए। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि आप सभी ने विजन का बहुत बेसब्री से इंतजार किया था, उसके लिए दिल से धन्यवाद कि आप सभी ने इतना पेशेंस बनाए रखा। आई नो यहाँ पे काफी लीडर्स हैं, लीडर्स ने भी अपनी टीम को भी अच्छे से गाइड किया, और यू आप मुझे पता है कि यहाँ पे इतने महीने, मतलब आई थिंक 20 दिन तो हो गए विजन बंद हुए, अच्छे से रन नहीं कर रही, कभी कुछ इशू आ रहा है।
तो अब गारंटी है कि थोड़ा टेक्निकल इशू तो आप सभी को पता ही आता रहता है, क्योंकि कंपनी में इतनी ज्यादा आईडी है, 2-3 लाख से भी ज्यादा पेड आईडी है यहाँ पे कंपनी में, तो ये नॉर्मल है टेक्निकल इशू, बट आगे से अब कोई इशू नहीं आएगा। और आप सभी ने, मुझे पता है कि कंपनी को बहुत सपोर्ट किया है, कंपनी का बहुत, मतलब कंपनी ने जो जो बोला है आपको, इतने दिन रुकने के लिए आपने पेशेंट बनाए रखा, अपनी टीम को प्रॉपर सर्विस दी, आप जितने भी लीडर्स है कंपनी ने एकदम टीम को एकदम अच्छे से प्रॉपर हैंडल किया, समझाया आप सभी ने, इससे मतलब आप सभी ने हमारी उम्मीद जगाई रखी, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और जो आपकी आज से इनकम बनेगी, आप ओनली फॉर वही विथड्रॉल कर सकते हो, ओल्ड इनकम का आपसे कोई मतलब नहीं है। हमने बहुत कोशिश की थी अपने साइड से लाने की, बट ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया, बट कंपनी वापिस आ गई है, उसी बात की बहुत खुशी है हमें। तो यहाँ पे जितने भी मेंबर है वो ये मत पूछे विथड्रॉल कब स्टार्ट होगा, ऑलरेडी विथड्रॉल स्टार्ट है, आप सभी अभी लगा सकते हो। बाकी मैं एक बार न्यू पीडीएफ आप सभी को शेयर कर देती हूँ। और काफी मेंबर्स के यहाँ पे बैड कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी अगर उनको वो काम नहीं करना चाहते हो, फालतू फायदा फैलाना चाहते हैं, तो वो अपना मुंह बंद कर ले, क्योंकि कंपनी फाइनली आ चुकी है और कंपनी 100% चलेगी। भागना होता तो कब का भाग चुकी होती, लेकिन कंपनी को भागना ही नहीं था, कंपनी को अप रन करना था और लोगों को दिखाना था कि कंपनी 100% चलेगी, चाहे कंपनी में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए। प्रॉब्लम्स एक टेक्निकल है, कभी भी लाइफ में आ सकती है, बट प्रॉब्लम्स इज अ नॉट परमानेंट, इज अ टेम्पररी। तो गाइस इस बात को याद रखने की जो प्रॉब्लम्स होती है वो टेम्पररी होती है, कुछ टाइम के लिए आती है, लेकिन लाइफ जो है वो परमानेंट है। आपके पास जब लाइफ, जब तक लाइफ है, आपको कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना पड़ेगा ना माने के लिए। बाकी जो मेंबर फालतू बोल रहे हैं, आई नो दैट उनका मुंह बंद हो जाएगा और बंद हो चुका हो, तो आप सभी मेंबर, जो भी मेंबर बैड कमेंट्स करते हैं उनकी बातों पर बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। बाकी कंपनी 100% चलेगी, इस बात का वादा है मेरा, ठीक है। और बाकी मैं एक बार न्यू पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, एक बार न्यू पीडीएफ शेयर कर लेना आप सब।